नमस्कार, पीवीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के ग्राम रसूलपुर जाटान में स्थित प्राथमिक विद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की ये हालत 1, 2, 3 या 4 वर्ष से नहीं बल्कि पूरे 20 वर्षों से है। जर्जर भवन के कारण ही गांव की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। यहां पर तैनात शिक्षक शिक्षिकाएं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ग्राम पंचायत रसूलपुर जाटान के प्रधान जसवंत सिंह बालियान ने कहा कि वे इसके लिए जिला अधिकारी महोदय से मुलाकात करेंगे और समस्याओं से अवगत कराएंगे। हमारे संवाददाता शाहिद अब्बासी पहुंचे रसूलपुर जाटान के इस विद्यालय पर और कुछ ग्रामीणों, शिक्षक शिक्षिकाओं व प्रधान जी से की बात। मुजफ्फरनगर से शाहिद अब्बासी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। ये बताइए, ये जर्जर हालत में है ये गली? जी, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे? हाँ जी, पढ़ते हैं हम भी, पर दो ही कमरों की जो हालत है वो अच्छी है, और जो ये जो मेन बिल्डिंग है इसकी हालत खराब है पूरी तरीके से। जी हाँ, करे हुए कुछ कर सकते हैं तो अच्छा होगा गांव के लिए, गांव के बच्चों के लिए भी। कौन से गांव में? रसूलपुर जाटान। ठीक भाई, ये स्कूल किसी तरह हमारा स्कूल चालू हो जाए। कहाँ पर झज्जर हालत? रसूलपुर जाटान में ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। अच्छा, इसकी हालत बहुत ही खराब है। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीएम साहब से कि हमारा स्कूल बनाने की वो करें। तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत है, कभी भी स्कूल गिर सकता है। देखो ये देखो हालत, जर्जर भवन, अंदर जाना मना है। यहाँ बहुत ही 2 कमरे हैं सिर्फ। तो आप जिलाधिकारी जी से? मैं पर्सनल भी मिलना चाहता हूँ और फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई किसी तरह स्कूल सही हो जाए, सही हालत में हो जाए। आप यहाँ पर वर्तमान में प्रधान है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह बालियान। अच्छा अच्छा, आप फर्स्ट टाइम प्रधान बने हैं? हाँ जी। तो आप ये सभी व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं जिलाधिकारी द्वारा? मैं चाहता हूँ हमारा स्कूल अच्छा हो जाए, बच्चे स्कूल में। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि 8वीं तक का स्कूल हो जाए और इसमें इंग्लिश मीडियम हो जाए, क्योंकि आजकल। बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? मैं प्राइमरी स्कूल रसूलपुर जाटान नंबर 1 में। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जो बिल्डिंग डंप पड़ी है, लोगों का क्या कहना है? इसको व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, इसका निर्माण होना चाहिए, क्या लोगों का कहना है? देखिए, कई बार नीलामी में आ चुका है लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है, सुस्त पड़ा है कार्य। अच्छा सर, और जैसे बारिश होती है तो पानी भी टपकता है, खतरा तो है ही, देखो बच्चों के लिए भी और हमारे लिए। जरूरी है जी सर, बहुत जरूरी है सर, इसका टूटना और दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे बनना, क्योंकि 2 ही कमरे हैं और उसमें 5 क्लास चला पाना बहुत मुश्किल बात है। ठीक, ये बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये है, बैठने के लिए बैठे कहाँ? मान लिया बारिश आ गई, बारिश में तो अंदर ही बैठे, और बिल्डिंग आप देख रहे हो कैसे लेंटर टूट टूट गिरने लग रहा है। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि इसका जिलाधिकारी जी निर्माण कराएं? निर्माण कराएं, काफी खतरे में है, डंप पड़ा है। हाँ जी, काफी खतरे। आप लोग इसीलिए व्यवस्था में यहाँ पर बच्चे नहीं भेज रहे हैं स्कूल में? मेन कारण यही है। ठीक, 8वीं तक हो जाए, इंग्लिश मीडियम हो जाए तो सब बच्चे रांची का जो हम शाहपुर भेज रहे या प्राइवेट खोला के उनके पास में भेज रहे, वहाँ नहीं भेजने का, यहाँ। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सी स्कूल में आप पढ़ाती हैं? रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर जाटान नंबर 1। अच्छा अच्छा, ये बताइए यहाँ पर जो ये बिल्डिंग डंप पड़ी है, कौन सा स्कूल है ये? ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है, इसमें क्या दिक्कत है जिसके कारण ये बिल्डिंग डंप पड़ी है, जिसके लिए लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे हैं खतरे से? कुछ लोगों ने हमें बताया है कि जब तक इसकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, जब तक हम बच्चे नहीं भेजेंगे खतरे में हैं, और जब तक ये बिल्डिंग दोबारा से निर्माण नहीं किया जाएगा जिलाधिकारी जी ने, जब तक हम नहीं भेजेंगे। क्या है ये सर? बस ये बिल्डिंग दिखती है सामने, मेन जगह पर असल में बिल्डिंग बनी हुई है, दोबारा अपने कमरे भी बने हुए हैं, उनको व्यवस्था हो रही है बच्चे को पढ़ाने की, लेकिन ये दिखती है, मैंने इसको ध्यान देते हैं, इन अदर कमरों को इतना लाइट नहीं करते। तो क्या ये डंप पड़ी है? बिल्कुल दिक्कत है काफी। हाँ सर, वैसे फिलहाल तो इसकी जांच हो चुकी है और अंदर देखिए आप भी जाके, ये जो ऊपर वृक्ष उगे हुए हैं ना, इनकी जड़े भी अंदर तक लटकी हुई है ईंटों से। आप लोगों को आके बताते हैं लोग किस तरीके की ये व्यवस्था है, इसको दुरुस्त होनी चाहिए? हाँ बस इस तरह बोलते हैं सर, जैसा आपके सामने आई थी बात, इस तरह कि इसमें तो बैठने लायक जगह ही नहीं है, यहाँ से पानी भरता है तो भी टपकता है, किसी भी टाइम गिर सकती है, खिसक भी जाती है कभी भी।